गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो रोज़ की तरह आज फिर हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। हाँ, ये तो वही मंदिर है जहाँ मैं कल आई थी। तो हम लोग फिर निकल गए हैं वॉक करने। यहाँ ये है महादेव, हाँ बैठे हैं हमारी महादेव। चलिए वॉक करते हैं, आप लोगों को भी वॉक कराते हैं, है ना। आज हम लोग थोड़ा जल्दी निकले हैं। आज कितना टाइम हो रहा है? आज 5:50 में ही निकल गए, और दिन 6 बज जाते थे निकलते निकलते। कोयल सुबह सुबह अच्छा लगता है सुनने में, कोयल की आवाज। चलिए हम लोग वॉक करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, है ना। तो हमारा टहलना हो गया है और अब हम जा रहे हैं घर, है ना। आज जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जा रहे हैं, और दिन उधर से जाते थे दूसरे रास्ते से। आज हम लोग जिधर से आए हैं उधर से ही जा रहे हैं। थक जाते हैं तो चलिए घर चलते हैं, जाके अपना वही चाय बनाएंगे, सबको चाय पिलाएंगे, खुद नहीं पिएंगे, है ना। तो चलिए चलते, देखिए पीछे सब इधर सिर्फ हरियाली ही हरियाली है, नहीं खाली पेड़ पौधा, है ना। अच्छा लगता है, हम लोगों के इधर तो जो रहता है वो काट ही दिया जाता है लेकिन यहाँ बहुत है। देखिए इधर भी है पूरा, ये देखिए इधर देख रहा है, इधर फिर इधर भी देखिए, पूरा हर जगह। वो उधर पीछे देखिए, पीछे वो जो आप दिख रहा है वो बाउंड्री जो दिख रहा है उसके उधर पूरा हरियाली ही हरियाली है, बहुत पेड़ पौधा है। तब जाएंगे घर, तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, घर जाके आप लोगों से मिलते हैं, है ना। तो यहाँ मैं मंदिर आ गए हूँ और मैं यहाँ पीछे बैठी हुई हूँ, अभी आप लोगों को दिखूँगी मैं। यहाँ सब लोग पूजा कर रहे थे तो मैंने सोचा कि पहले ये लोग अच्छे से कर लें, फिर मैं भी अपना पूजा शुरू करूँगी। तब तक मैं पीछे बैठ गई थी। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को दिख रही हूँ ना, तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, तो ताकि ये लोग कर लें फिर मैं भी आराम से अपना पूजा करूँ, है ना। तो हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर से घर, पूजा पाठ हो गया अच्छे से। हाँ, आज लगता है बृहस्पतिवार है ना, इसलिए ज़्यादा ही भीड़। तो हम लोग अच्छे से पूजा हो गया, प्रसाद भी मिल गया आज आज प्रसाद भी मिल गया। तो बस अब जा रहे हैं घर, घर जाएंगे, जाके कुछ खाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे। आज तो खाना मैंने पहले ही बना दिया, आज कुछ घर जाके बनाने वनाने का टेंशन है नहीं, सब बन गया है, है ना। तो घर जाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, मिल पाई तो मिल पाई, नहीं तो फिर मैं शाम को मिलूंगी आप लोगों से, ठीक है। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग देखिए, तब के लिए बाय, शाम को मिलते हैं। गुड इवनिंग, मैं आ गई हूँ किचन में, अब चाय वाला पी चुकी हूँ, फिर मैं आप लोगों को चाय नहीं दिखाऊंगी, रोज रोज चाय दिखा के बोर नहीं करूंगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्या करने, सब्जी बनाने। मैं आज बना रही हूँ पनीर की सब्जी, जिसकी मैंने सारी तैयारियाँ पहले ही कर ली थी, मसाला वो करके ग्राइंड करके रख लिया था सब कुछ। तो इसमें मैं सब्जी बना रही हूँ, मैंने तेल डाल दिया है और इसमें वो मसाला भून लूँगी, उसमें आज सब्जी बना ली। आज कुछ अलग खाने का मन था तो मैंने सोचा क्यों ना पनीर ही बनाया जाए सबसे अलग, क्योंकि हम लोग के घर में नॉन वेज तो बनता नहीं है, कोई खाते ही नहीं है नॉन वेज, तो बनेगा
अलग में तो यही खा सकते हैं और बाहर का यही खाना चाहिए ज़्यादा ही। हम लोग ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही बाहर का अवॉइड करते हैं, घर का ही बना खाते हैं। तो बस वही मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, तो चाय वाय पी के मैं फ्री हो चुकी हूँ। मैंने जरूर जरूर चाय भी खा के क्या बोर करना है ना, आप लोग बोर हो जाओगे, इसीलिए आज मैं सब्जी साग है ना। और बताइए और आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं सुबह के बाद। अब मैं अभी मिली, वो क्या हो गया ना, मैं मंदिर से आने के बाद आप लोगों से मिलती और मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ा और वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, तो मैं वहीं चली गई थी, तो इसलिए मैं आप लोगों से मिल ही नहीं पाई है ना। बस होता है ना जो ज़रूरी काम होता है वो अचानक ही पड़ जाता, कहीं कुछ जाने का आज प्लान नहीं था है ना हमारा, पर इतना ज़रूरी काम था कि जाना पड़ा। चाबी लेके आते हैं, चाबी है क्या यहाँ, चाबी अच्छा, चाबी खोज रहे थे, चाबी नहीं मिल रहा था है ना। तो भाई वो नीचे एक वो है ना, क्या बोलेंगे हम लोग तो उसको बोलते हैं आलमीरा, जिसमें वो तेल मसाले वो सब रखने के लिए, तो बस वही ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ रख दिया है चाबी, मिल ही नहीं रहा है कि मैं चाबी ढूंढ के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हे फ्रेंड्स, चाबी मिली है, कहीं इधर उधर नहीं गए थे ये, वहाँ यहाँ रखी पर मुझे दिख नहीं रही थी, कैसे दिखेगी, ब्लॉग के चक्कर में सब भूल जाती हूँ। एक दिन तो ऐसा हो गया कि मैं रील बनाने के चक्कर में सब्जी ही जला दी, इतना बिजी हो गई थी रील में है ना, मैं सब्जी ही जला दी। फिर मेरा तो उस दिन के बाद से ना बाबा कभी नहीं, वैसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूँगी, क्योंकि दोबारा मेहनत लग जाता है ना, फिर से काटो फिर से बनाओ, बहुत मेहनत लगता है। तो बस अभी सब्ज़ी बनाऊंगी और अगर होगा तो वो पराठे सेकूँगी, आज मैं नहीं खाऊंगी, पतिदेव खाएंगे, उनको आज पराठा खाने का मन है तो पराठा बनाऊंगी। मेरे लिए तो वो रोटी है ही, उसी को गर्म कर लूँगी, मुझे गर्म गर्म इतना वो नहीं है कि मैं गर्म रोटी ही खाऊँ, तो बस वही। हाँ बहुत लगेगा, मन करेगा तो थोड़ा सा घी जो घर में बना के रखती हूँ ना, वही घी थोड़ा सा लगा दूँगी, बस वही मैं खा लूँगी। तो सुबह, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं सुबह के बाद तो मिल ही नहीं पाई, अचानक से मुझे जाना पड़ गया, मैं सोची थी। और हाँ मैं ना आज ना वो मंदिर जाते वक्त भी वीडियो रिकॉर्ड की थी पर डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। जब घर आई ना तो फिर मैं देख रही थी, ले वीडियो कहाँ गया, तो फिर डिलीट हो गया। मन तो थोड़ा सा ये हो गया कि आज सोची थी कि पूरा रूटीन शेयर करूँगी पर सब गड़बड़ हो गया। खैर कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगी कि मैं वो सारा रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। तो चलो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को सब्ज़ी है ना, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। रुकी, ये मैं बना रही हूँ सब्जी, उसमें मैंने सब कुछ दे दिया है, तेल तेल जब गर्म हो गया तो उसमें जीरा फिर प्याज लहसुन अदरक टमाटर का पेस्ट उसके सारे सूखे मसाले ये सब डाल दिया है। अब ये भून जाएगा अच्छे से, मस्त बढ़िया वाला जो बोलते हैं एकदम चटकारेदार मसाला भून जाएगा। उसके बाद ये उसमें डाल दूँगी ये पनीर और फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और हमारी सब्जी रेडी है, फिर गर्म गर्म पराठे फिर और फिर क्या मस्त खाएंगे है ना। तो आप लोगों ने देखा मेरी सब्जी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ कि पनीर की सब्ज़ी की क्या रेसिपी शेयर कर रहा, आजकल तो सब एक से एक खुद ही बना लेते हैं, तो इसलिए मैंने रेसिपी नहीं शेयर किया, मैं बस बना रही थी तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया है ना। और आज ना मुझे किचन में आने में बहुत लेट हो गया, मतलब कितना 7 बज रहे हैं, 7 या 7:15 या 7:30 हो रहा है। क्यों लेट हो गया वो जब आप मेरा चैनल खोलेंगे ना और रील्स शॉर्ट्स में जाएंगे फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों लेट हो गया क्योंकि मैं ना आज वो रील्स, आज बहुत सारे रील्स बनाए, क्या हो जाता है ना कि रोज़ बना नहीं पाती हूँ पता नहीं क्यों, तो कल भी नहीं बनाया था, तो कल और आज दोनों का मैं बना दी, कल बिल्कुल ही समय नहीं मिला बनाने का तो कल मैं बना ही नहीं पाई, तो इसीलिए आज बना दी। आज बहुत सारा रील्स बनाई हूँ मैं, डालूंगी, अभी तो मैंने एक ही अपलोड किया है क्योंकि फिर ये वीडियो भी तो अपलोड करना होता है ना, सारा नेट ख़त्म हो जाता है,
कुछ देख भी नहीं पाती हूँ मैं फ्लिपकार्ट में। खैर कोई बात नहीं, वाईफाई है वैसे, पर पता नहीं उसमें क्या हो गया, वो चल ही नहीं रहा है, तो इसी वजह से उसको भी मैं जाऊँगी एक दिन तो ठीक करवाऊँगी, है ना। तो और आप लोग बताइए, आप लोगों ने आज सारा दिन क्या क्या किया कमेंट्स में बताइएगा, और मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को ये भी बताइएगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, अपनी डेली रूटीन वही सुबह का जो है उसके साथ। कल मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं मंदिर जाते वक्त भी वो रिकॉर्ड करूँ, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरा व्लॉग देखिए, एंजॉय करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, व्लॉग और शॉर्ट्स दोनों को, है ना। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। आप लोग सब अच्छे रहें, मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगी, और आप लोग भी प्रार्थना करना कि हम पूरा परिवार मेरा अच्छा रहे, है ना, हम सब अच्छे रहें। सब दुनिया में सब अच्छे होते हैं तभी अच्छा लगता है, किसी एक के खुश रहने से नहीं होता है ना। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, बाय, गुड नाइट।